शांति रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है। आज बाबा हमें डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कैसे करना है उसमें एक विशेष पॉइंट बता रहे हैं कि हमें न्यारापन का अनुभव करना है, क्योंकि जैसे कमल का उदाहरण दिया जाता है कि कमल कीचड़ से न्यारा है इसलिए सर्व को प्यारा लगता है, इसलिए उसकी इतनी वैल्यू है। तो हमें किस प्रकार से अनुभव करना है? बाबा कहते हैं, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो, यह बोल रहा है, लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर वन, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। कर्म दुनिया वाले भी करते हैं और कर्म हम बाबा के बच्चे भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे हर कर्म में, दृष्टि में न्यारापन अर्थात अलौकिकता अनुभव हो, कुछ विशेष अनुभव हो कि हम इस शरीर से अलग अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर वो कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होने पर सभी को न्यारापन भी लगेगा और हम सभी के प्यारे भी रहेंगे, क्योंकि न्यारा बनने के साथ साथ हमें प्यारा भी बनना है, इस बैलेंस को भी बनाए रखना है। दूसरा, बाबा कहते हैं हमें अपने मन को ऑर्डर से चलाना है, क्योंकि मन हमारा एक कर्मचारी है, हमारी एक कर्म इंद्रिय है। तो जितना हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर से चलाएंगे उतना हम स्वराज्य अधिकारी भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।